हेलो गाइस, वेलकम बैक यू गाइस माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी सुबह के 11:10 हो रहे, तो अभी घड़ी पहनेंगे। अभी मैं ऊपर ही आया था सीधा, तो मैंने सूरज दादा को प्रणाम किया, तो थोड़ी वॉक की। तो 2-3 दिन तो गाइस इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, तो पानी में हाथ डालना तो हाथ ऐसे फ्रीज हो जाते थे भाई। तो मेरे हाथ धो धो के ना पानी से भाई मेरे हाथ भी रेड रेड से हो गए, छीला भी गया। तो खाता हूँ आपको, ये देखो गाइस इधर से ये दिख रहे हैं ना आपको, ये देखो। तो पानी से हाथ धो धो के मेरे हाथ भी छिल गया गाइस। तो इतनी ज़्यादा ठंड थी, पानी ठंडा था, तो बार बार मुझे हाथ धोने पड़ रहे थे। तो क्या बोलते, पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है 2-3 दिन से, पता नहीं क्या हो गया। तो मैंने शूट भी नहीं किया 2-3 दिन से, तो बाहर भी नहीं गया। इतनी ज़्यादा ठंड, धूप भी निकली आज, तो फिर धूप निकली है इसलिए मैं ऊपर आया हूँ। तो धूप भी नहीं निकल रही थी, तो पानी में हाथ जैसे डालना तो हाथ फ्रीज हो जाते थे। तो अरे जब भी मैं गाइस कैमरा उठाता हूँ ना, तो इन लोग आ ही जाते सब्जी वाले, कोई ना कोई सब्जी ला ही जाता है। तो जब भी गाइस मैंने कैमरा उठाना तो कोई ना कोई आ जाता है। तो बस गाइस सुबह सुबह यही रहता है, ऊपर आना, धूप सेकनी। तो नीचे तो भाई बहुत ज़्यादा ठंड होती है। वो देखो गाइस सुबह सुबह पता नहीं पतंग उड़ा रहा है। तो आसमान में तो कोई उड़ा नहीं रहा। तो घर वाले बता रहे हैं पता नहीं इन्वाइटर को क्या हो गया, आवाज कर रहा है। तो मैंने नीचे देखा तो पता नहीं क्या वोल्टेज कम है, तो वोल्टेज कम की वजह से अरे यार फिर से सब्जी ला गया। जब भी मैं ब्लॉग शुरू करता हूँ ना, कुछ बात करने की कोशिश करता हूँ, शुरू करता हूँ कोई बात, साथ में आता टमाटर ले लो ये ले लो, अरे भाई नहीं लेने, निकल जाइए इधर से भाई। वो भी बंद हो गया गाइस। तो इन्वर्टर पता नहीं बात कर रहा था सबके, तो सभी घर में वोल्टेज कम आ रहा है, पिछले भी कम आया था, इन्वर्टर ऐसे कर रहा था। मैंने क्या बिजली वाले को बुला के वो खंभे पर लाइट हिलती है हमारी, तो मैंने वो ठीक करवा लिया। तो फिर भी इन्वर्टर बड़क बड़क कर रहा था पिछली बारी, तो अभी भी इन्वर्टर वैसे ही कर रहा था। मैं क्या बुलाऊँ किसी को, ये देखो ये खंभा है गाइस जहाँ से हमारी लाइट हिलती थी। मोहल्ले में पूछा किसी से, तो वो सामने आंटी है, तो उनसे पूछा, वो कह रही इन्वर्टर सच में कम आ रहा है, ऐसे ही आवाज़ कर रहा है, वोल्टेज कम होगा, जब वो ठीक होगा तो अच्छे से आ जाएगा। तो ये देखो काफ़ी लाइट कम आ रही है, तो सभी घर में ऐसा ही हो रहा है, सबके लाइट कम ही आ रही है। तो सभी घर में ऐसा ही हो रहा है, मैंने भी गाइस बंद कर दिया है, तो भी इन्वर्टर आवाज़ नहीं कर रहा, मैंने बंद कर दिया। वोल्टेज अभी तक कम है, वोल्टेज हुआ नहीं है तेज, तो देखते लाइट कब तक, आधे घरों की लाइट है। मैंने देखा थोड़े से घर है उनकी लाइट नहीं है, थोड़े से घर है उनकी लाइट है। तो ठीक है अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट रेडी हो गया मेरा, तो ये आलू के परौंठे तो साथ में चार ले लेंगे। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 1 बजने के, सिर्फ 20 मिनट रह गए दोपहर के। लाइट तो गाइस हमारी सुबह से कम आ रही है, डिम आ रही है। तो आज मैं रेडी भी हूँ, मैंने बाहर जाना है, तो पापा की मेडिसिन लेके आनी है, तो उसको फ़ोन करते मेडिसिन लड़के को, तो देखते वो क्या बोलता है। तो गाइस अभी मैं ऊपर आ गया छत पे, तो मैं थोड़ी धूप ही देख लूँ ना। अभी उस मेडिसिन लड़के को फ़ोन करते तो पूछते कैसे मिलेगी मेडिसिन, जो पुराने ब्लॉग देखते उनको मालूम होगा कौन सी मेडिसिन की बात कर रहा हूँ और वो कैसे मिलती है मेडिसिन। तो दिखाऊंगा मेडिसिन कौन सी, आज उसमें कॉल करता हूँ मैं। तो गाइस तो मैंने उस भैया का फ़ोन किया था, तो भैया ने फ़ोन उठाया नहीं, शायद वो बिजी होंगे कहीं पर। तो वो डॉक्टर के साथ मीटिंग होती ना भैया की, तो इसलिए भैया ने फ़ोन उठाया नहीं, तो बिजी होंगे तो फ़ोन उठाएंगे फिर गाइस चलेंगे हम। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ नीचे, तो मैंने फ़ोन किया था उन भैया को, लेकिन वो कह रहे मैं यहाँ पे नहीं हूँ, कहीं बाहर है। तो वो कह रहे कल मेडिसिन मिलेगी, तो कह रहे मुझे कल रात को मैसेज कर देना, आज रात को मैसेज करना, तो मैं सुबह तुम्हारे घर के पास ही पकड़वा दूंगा मेडिसिन। और मेडिसिन वो आम नहीं मिलती गाइस, मेडिसिन वो आम नहीं मिलती, तो जो पुराने ब्लॉग देखते हैं उनको तो मालूम होगा, तो मैं कौन सी मेडिसिन की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर पकड़ा दूंगा, मैंने इधर से निकलना है, तो ठीक है, तो फिर वो दे देंगे। तो लाइट भी आ गई है, अरे बंद कर यार कॉपीराइट ना आ जाओ। तो गाइस ये अभी लाइट भी देखो आ गई है अच्छे से पूरी तरह से। तो यहाँ पापा बैठे हैं, पापा कह रहे मुझे अभी बाहर उठा दे, मैं सोच रहा मैं करूँ क्या, अभी तैयार भी हो गया हूँ, कहीं जाऊँ कहाँ पर, मैं कहीं पर ओके आता हूँ गाइस। तो पापा जाऊँ मैं, तो पापा कह रहे नहीं तूने नहीं जाना। तो पापा कई दिन 2 दिन से हो गए, पापा भी बीमार चल रहे हैं, तो पता नहीं क्या हो गया पापा को, तबीयत खराब चल रही है पापा की या नहीं, तो ऊपर देखते नहीं तो पतंग उड़ाएंगे हम। गाइस ऊपर जा रहा हूँ मैं, तो अभी कुछ है तो नहीं काम, पापा कह रहे बाहर भी नहीं जाना तूने, तो पापा की तबीयत है वो खराब भी चल रही है आपको मालूम है। तो अभी मेरे पास वो पतंग पड़ा है, तो मैं सोच रहा हूँ उड़ा लूँ उसको, देखते उड़ाते ऊपर बच्चे अपने घर पतंग उड़ा रहे, तो हम भी उड़ा लेंगे। तो गाइस ये लो इसने पतंग पकड़ लिया, लड़के ये लोग ना ये दोनों लड़के ना उसको अपना पतंग फड़ा गए, तो डोर उसकी यहाँ पे, ये देखो डोर यहाँ पर है इसकी। तो गाइस अभी पतंग उड़ाने वाले, तो अभी पर करण आए मेरा फ्रेंड, तो हम लोग उड़ाएंगे पतंग। ये एक विरोधी पार्टी का है, इसे लगाएंगे पेचा इसका बोरा पतंग।
काफी दूर हो गया हमारा पतंग, ये रेड रंग का पतंग है, ये पतंग है हमारा साला। अरे वाह, तो गाइस का बो कर दिया हमने वो लड़के का। तो भाई अभी तो पतंग हम फिर उड़ा रहे हैं, अभी वो भी उड़ा रहा है लड़का को देखो वापिस से। तो इधर करण है, तो करण हाय बोल दो। हाय। तो ये करण है, इधर पास में इसका घर है। तो हम लोग पहले भी पतंग उड़ाते एक साथ। तो गाइस ये कह रहे रुक जाओ अभी मत लगाओ, वो घबराया हुआ है। हाँ वो घबराया हुआ है गाइस, वो अभी उसका काटा नहीं कहाँ, अभी फिर से जा रहा है। हमारा पहला पतंग था वो फट गया था, तो अभी हम लोगों ने दूसरा बड़ा पतंग ले गया हूँ मैं, तो अभी ये उड़ाएंगे। तो इधर पतंग उड़ा रहा है, वो कह रहा फिर से उड़ाओ भैया, फिर से लगाना मेरे साथ पेचा। ना भैया 1,20,000 का वो है, छोटा है नहीं ऑटो जरा पलटे आंदा मिनट। अच्छा पूरी वाइब बिल्कुल नहीं आई। मान पर फेंट डिगूंगा लगा कि दंत चोरी करते रहो भैया जी। अंकल कोई है नहीं है एक्टिव सामने, बैटरी वाली बिल्कुल वाइब नहीं करती। फिर अंकल तो नहीं थे पूरे। हवा पूरी है, वो लड़का घबरा गया छत के ऊपर। लेफ्ट में अडो फोटोशॉप तो या कितने वही है सॉफ्टवेयर, लैपटॉप से एक सॉफ्टवेयर होता अडो फोटोशॉप। तो गाइस अभी पतंग उड़ गया, वो तो काफी बड़ा है, ब्लैक रंग का है छज मैंने सभी लगाते हैं भाई साहब के साथ बेचे, वो कह रहे हैं लगाओ लगा भाई। तो भाई सभी लगाने वाला हूं, खींच लगाता हूं, देखता हूं बड़ा पतंग है भारी है, देखते लगती कि नहीं लगती। वो उसका गया, वो घबरा गया, सीरा उसके हाथ में। तो गाइस तो अभी उसका भाव कर दिया है, तो अभी वो देख रहा है, और बोली कैमरा मार रहा बोल रहा वो देखो भाग रहा है, उड़ाएगा धीरज। हाँ है पतंग है आपके पास, उसका बिल्कुल कन्नियों से काटा वो रहा ऊपर। नहीं नहीं भागेगा नहीं, वो आएगा फिर से, तो देखते फिर। वो कह रहा है जाना मत भैया, तो फिर से मैं उड़ाऊंगा, फिर से लगाना पेचा, तो इसके साथ फिर से लगाएंगे गाइस, देखते उड़ाता है कि नहीं उड़ाता है। तो गाइस इसका बो किया मैंने, तो कह रहा है फिर से मैं पतंग उड़ाऊंगा भैया, अब जाना मत कहीं गाइस, फिर से उड़ाने पे। हंसित गाना पतंग अपना, तो तू तो कह रहा छज्जे, वो कह रहा गाइस आएगा तो इसके बाद में आएगा। तूने फिर से उड़ा लिया पतंग अपना, वो देखो। तो ये अभी करण लगाएगा, इसको खींच लगाएगा, देखते हैं करण की खींच कराता है वो या उसका करता है वो, देखते हैं गाइस। चल करण लगा ले, मार दे खींच, लगा दे इसको, लगा लेगा ना अच्छे से तेज से, बस ठीक है फिर। अरे भाई तू डर। ओ वो हंस वो गाइस फिर काट दिया, करण भाई ने काटा है, तो पहले मैंने काटा था, फिर करण भाई ने काटा है, काटा मतलब दूसरा काटा नहीं काटा वाला काटा दिया। तो इसका फिर से वो कर दिया हंस का, तो अभी पूछते उसे हंस, अभी वो भाग गया लगाएगा फिर वो देखो फिर से गाइस ले आए अभी कभी भी कह रहे मड़ाऊंगा भैया, हिम्मत नहीं आ रहा लड़का। अच्छा तो गाइस फिर से उड़ा लिया हंस ने, देखो वो कह रहा छज के, तो छज पेचा लगाएगा, पेचा लगाने जा रहे हैं पूरी तैयारी में। पीछा लगेगा अब लगेगा पीछा, अब तैयारी में पूरी, ये डील दे रहा है वो भी खींच के दे रहा है। चल है वो भी गया, अब फिर दोबारा से बो करा लिया उसने, तो गाइस फिर से अपने खींची लगाई डील, डील दी खुली शर्मसराई में गया, शर्मसराई में शॉर्टकट शर्मसराई में गया पीछा, अब वो घबरा टूटा अब लाएगा और पतंग लाके आएगा, लेके आएगा और नहीं आप दोगे, हैं तेरे पास पतंग नहीं अभी खत्म हो गए ले आ। तो गाइस इसके बाद पतंग खत्म हो गए, तो अभी हमारा पतंग तो वो रहा ऊपर। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 3 बजने वाले दोपहर के, तो कर रहे हैं, तो मैं वो पतंग उड़ा रहे अभी तक हम लोग, तो मैं तो जा रहा हूँ नीचे सुमड़ी में सोने, वो सुमड़ी में चली गया सोने के लिए, तो देखते अभी कौन है। करण उसके साथ लगाए, तो उसने पतंग पेचा लगाया था मैंने आगे, तो भाई हम तो हमारा पतंग तो बो हो गया है, तो
तो गाइस अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, तो करण भी अपने घर चली गए, तो अभी मैं भी नीचे जा रहा हूँ, तो चलते हैं नीचे। तो वो टाइम भी 3 बज गए, तो देखते हैं अभी, तो पापा को लंच वगैरह देते हैं। तो गाइस अभी टाइम होने वाला है, तो शाम के 6 बजने वाले, तो अभी मैं अपना डिनर कर रहा हूँ भाई। तो चोल छोले बने थे तो ये मैं खाने वाला हूँ। तो ठीक है गाइस, तो गाइस अभी मेरा डिनर हो गया है, तो इस ब्लॉग हम यहीं तक रखते हैं आज का ब्लॉग। तो घर पे था मैं सारा दिन, घर पे ही बनाया, तो बाहर गया नहीं मैं, तो ऊपर पतंग उड़ाया भी, लड़का है करण तो वो आ गया था, तो हम दोनों ने मिलके पतंग उड़ाया। तो लोगों के कांटे भी अपना भी करवा लिया, लेकिन कांटे हमने ज़्यादा थे, कम से कम मेरे हिसाब से हमने 3 पतंग काटे होंगे, तो पतंग फिर मारा काटा गया। तो ठीक है गाइस, तो हम इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना आपको ये ब्लॉग। तो वो लड़का फिर से आएगा, हम फिर से पतंग उड़ाएंगे, तो और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे फिर आपके लिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं।